नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ विजेता घोष। आज 17 नवंबर है और आज के दिन नेशनल एपिलेप्सी डे के रूप में मनाया जाता है। एपिलेप्सी डे यानी मिर्गी दिवस। और इसी कड़ी में आज हम खंजरपुर स्थित ओम न्यूरो सेंटर आए हैं। यहाँ पर कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर विकास शर्मा हमारे साथ मौजूद है और आइए हम इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं इस बीमारी के बारे में। सबसे पहले मिर्गी कैसी बीमारी है, कैसे होता है ये, आप इसके बारे में बताइए। मिर्गी है जैसे ब्रेन में जो है, अगर ज़्यादा तरंग उत्पन्न होने लगे किसी एक हिस्से से तो पेशेंट को हाथ पैर हिलना, बेहोश हो जाना, जिसको हम लोग चमकी बोलते हैं, चमकी आना, मुंह से झाग आ जाना, जीभ कट जाना, पेशाब कपड़े में हो जाना, और पेशेंट मैंने 2-3 मिनट या 5 मिनट तक बेहोश रह सकता है। ये मिर्गी है और मिर्गी के लक्षण ये हैं। तो इसकी उत्पत्ति कैसे हुई सबसे पहले? ये मिर्गी उत्पन्न होता है जैसे ब्रेन में कोई टिश्यू अगर ख़राब हो गया तो वहाँ से तरंग उत्पन्न होने लगता है। तरंग उत्पन्न होकर जैसे एक जगह से शुरू हुआ तो वो पूरे ब्रेन में फिर धीरे धीरे फैलता है और जैसे मरीज़ को बेहोश कर देता है। अब ये मिर्गी जैसे ये तरंग उत्पन्न होने का क्या क्या कारण हो सकता है? जैसे कॉमनली तो बहुत बार कारण नहीं मिलता है, 70% पेशेंट में कोई कारण नहीं होता है। बाकी जैसे कारण जिसमें होते हैं, जैसे किसी को लकवा लग गया उससे हो जाता है, किसी को ब्रेन में ट्यूमर है, गांठ हो गया उससे हो सकता है। बहुत कॉमन कारण है जैसे कीड़ा हो जाना ब्रेन में, जो न्यूरोसिस्टिस सर्कोसिस होता है, या टीबी का गांठ हो जाना, या मेनिनजाइटिस हो जाना, टीबी का माथा का टीबी हो गया, या फिर इनकेफ्लाइटिस होता है, दिमागी बुखार, जैसे जापानीज इनकेफ्लाइटिस कॉमन होता है बच्चों में, या मुजफ्फरपुर में जो इनकेफ्लाइटिस होता है, वो सब में मिर्गी आने का चांस रहता है। तो ये सब जैसे ब्रेन जैसे ख़राब हुआ, वहाँ से तरंग उत्पन्न हुआ, वो धीरे धीरे पूरे ब्रेन में फैलेगा, तो ब्रेन से ही पूरा हाथ पैर कंट्रोल हो रहा है, तो वो तरंग फिर हाथ पैर हिलाने लगता है, तो चमकी आने लगता है, पेशेंट बेहोश हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा कुछ बीमारियों के बारे में कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा ये विमेंस को होता है या कुछ मेंस को होता है, तो ये मिर्गी बीमारी सबसे ज़्यादा किस में पाई जाती है, मेंस में या विमेंस में? ये मेल फीमेल का ऐसा इसमें कुछ नहीं है मिर्गी का, दो किसी को भी हो सकता है, ठीक है ना। ज़्यादा कॉमन छोटे एज में है और फिर बूढ़ों लोग में ज़्यादा कॉमन है, और बीच मिडिल एज में उतना कॉमन नहीं है जितना बच्चों में और ओल्ड एज में कॉमन है। मेल फीमेल औरत और मर्द को बराबर हो सकता है, ऐसा कोई नहीं है कि मर्द को ही होगा या फीमेल को ही होगा। तो सर इसके इलाज के लिए क्या किया जाए, मतलब क्या क्या सावधानी हमें बरतनी चाहिए? इलाज के लिए पहले से अगर आपको सिम्टम पता है कि इस तरह से हो रहा है तो वो मिर्गी हो सकता है, ये आपको सोचना पड़ेगा। उसके बाद आप डॉक्टर से मिलिए, डॉक्टर जैसे सोच के आपको MRI होता है ब्रेन का कराना, या CT scan होता है, और EEG होता है। EEG में भी एक मतलब तार लगा के ब्रेन से वो तरंग जो उत्पन्न हो रहा है वो देखते हैं EEG में, तो ये करा के, और ब्लड टेस्ट में कभी कभी खून की प्रॉब्लम से भी होता है, जैसे किसी की किडनी ख़राब है, ज़्यादा क्रिएटिनिन बढ़ गया, यूरिया बढ़ गया, उसमें भी हो सकता है। तो वो सब टेस्ट करा के पहले कारण खोजना होगा कि किस कारण से मिर्गी आ रही है, तब तक लिए आपको सिम्टोमेटिक मिर्गी दबाने का दवाई दे सकते हैं। अगर कोई कारण है तो उसका इलाज कीजिए, तो फिर आपको मिर्गी जड़ से भी ठीक हो सकता है। मान लीजिए बहुत बार कारण नहीं मिला तो आपको दवाई हो सकता है ज़्यादा खाना पड़े, जैसे मिनिमम 3 से 5 साल खाना पड़े, और किसी किसी को लाइफ टाइम खाना पड़ता है। जैसे एक बीमारी होती है जुवेनाइल मायोक्लोनिक एपिलेप्सी, उसमें हमेशा जीवन भर दवाई खाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब है कि चमकी अगर किसी को आ रहा है तो वो क्या प्रिकॉशंस ले, कुछ कुछ कारण से कि चमकी के मरीज को चमकी फिर से आ सकता है, जैसे दवाई खा रहा फिर भी आ सकता है, जैसे अगर उसको बुखार आ गया तो चमकी आने का चांस रहेगा, तो उस टाइम में आप उनको बुखार को तुरंत डाउन कीजिए, पैरासीटामोल करके गोली आती है वो खिलाए, या फिर जैसे अगर नींद नहीं आई, रात में कहीं पार्टी में चले गए या कहीं चले गए तो सोए नहीं रात में, या ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं नींद नहीं आई, तब चमकी आ सकता है। तो आपको समय पे 10 बजे तक सो जाना है मिर्गी के मरीज़ को। दूसरा, और जैसे हिलता हुआ फिल्म या रोशनी होती है वो देखने से भी मिर्गी प्रेसिपिटेट होती है, जैसे मूवी फिल्म टीवी, जो टीवी ये सब नज़दीक से नहीं देखें, दूर से देखना और कम अवॉइड करना चाहिए थोड़ा टीवी देखना। तो ये और सबसे मुख्य कारण मिर्गी आने का है, जो मिर्गी के मरीज़ हैं उनको दवाई लिखा गया, डॉक्टर से दवाई दिखाया गया, कुछ दिन दवाई खाए फिर वो दवाई छोड़ देते हैं, या जैसे 2 या 3 टाइम लिखा है तो 1 टाइम खा रहे हैं, तो उस टाइम में भी चमकी आ सकता है। तो ये ज़रूरी है डॉक्टर को बताना कि चमकी दवाई छोड़ने से आया, नहीं तो दवाई बढ़ा देगा, एक बार एक गोली खा रहा है 2 लिख देगा वो, इसलिए अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं अगर आप दवाई छूट गया गलती से, तो वो भी बताना है। सबसे इम्पोर्टेंट कॉज यही है दवाई छोड़ना। फिर अब जैसे चमकी अगर आ जाती है तो उस टाइम में मरीज या मरीज के परिजन क्या करें, मरीज़ तो बेहोश है,
तो उनके जो रिलेटिव्स हैं अटेंडेंट, वो क्या करना चाहिए? आप सड़क पे कोई पेशेंट को आ गया तो आसपास के लोग क्या करना चाहिए उस टाइम में? एक तो उसके चारों तरफ भीड़ नहीं लगाएं, उन्हें खुला छोड़ दें, उसको हवा आने दें अच्छे से, और हमेशा कोई करवट करने की तरफ सोचे कि वो दायां या बायां, ज़्यादा अच्छा तो बायां करवट है, कोई भी एक करवट कर दें उसको, और जब तक चमकी आ रही है उसको पकड़ के रखें, और अगर हो सके तो सर के नीचे चादर या कोई तकिया लगा सके तो कि सर में चोट नहीं लगे, और जब तक चमकी आ रही है उसको पकड़ के ही रखना है आपको, ताकि जो भी मुंह से झाग आ रहा है ना वो बाहर आ जाए, ये नहीं कि वो छाती में चला जाए, फिर तो पेशेंट को और सीरियस हो जाता है। ठीक है, तो ज़्यादातर मिर्गी 1-2 मिनट तक आएगी, फिर अगर मिर्गी 5 मिनट से ज़्यादा आ रही है तो फिर तो तुरंत अस्पताल आपको लेके जाना पड़ेगा। आजकल एक स्प्रे आता है मीडाजोलाम का, वो अगर पेशेंट के पास है तो वो आप उसके स्प्रे उसके वज़न के हिसाब से 3-4 पफ दोनों नाक में मार सकते हैं। ठीक है, यही प्रिकॉशन सर। सर सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल कि क्या ये जीन से ट्रांसमिटेड है या क्या एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ये जा सकता है? कुछ केसेस में होता है, सारे केसेस में ऐसा नहीं होता है। जैसे अब किसी को ट्यूमर है, गांठ है, या स्ट्रोक हुआ है, या कीड़ा हुआ है, तो वो तो जेनेटिक नहीं है, जिसमें कारण नहीं मिला, जैसे जुवेनाइल मायोक्लोन के एपिलेप्सी मैं बता रहा था, वो आपको जेनेटिक हो सकता है। ठीक है, या बच्चों में जैसे छोटे बच्चे जैसे ऑक्सीजन की कमी हो गई पैदा होने के समय में, उनको भी बाद में इन फ्यूचर में जाके मिर्गी होने लगती है, तो वो सब जेनेटिक नहीं है, कुछ कुछ केसेस हैं जेनेटिक। ठीक है, सारे नहीं। तो सर बहुत सारे मिथ्स हैं मिर्गी के कि जूता सुंघाया जाए मिर्गी आने पर, तो कितनी सच्चाई है इसमें? इसमें तो कोई सच्चाई नहीं है, जैसे मैं बता रहा था ना कि आपको करवट कर दीजिए, तो उस टाइम में कॉमनली क्या होता है कि कभी कुछ लोग जूता सुंघाने लगे या मोजा सुंघा देते हैं, वो सब करने का कोई ज़रूरत नहीं है। और दूसरा, कुछ कुछ लोग क्या करते हैं कि उस टाइम में जैसे दांत लग चुका है उसका, जीभ कट गया है, तो उस टाइम में दांत खोलने की कोशिश ना करें, दांत खोलेंगे तो एक तो दांत टूटेगा, अगर आपका उंगली अंदर फंस गया तो उंगली भी कट जाएगी। ठीक है, या चम्मच लगाएंगे तो उसका दांत टूट सकता है, तो जो होना था जीभ कटना था कट चुका है, आप उसको पकड़ के रखिए, मुँह के अंदर कुछ नहीं डालना है। ठीक है, ना उसको पानी उनी कुछ नहीं पिलाना है। ठीक है, और आप क्या कह रही थी? हाँ, मिथ से जैसे अब वो सोचते हैं कि सोसाइटी में ये सोचा जाता है कि मिर्गी किसी को हो रहा है तो ये जैसे भूत आ गया उसके ऊपर, या पिशाच आ गया, या पागलपन, ऐसे कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है, भूत पिशाच कुछ नहीं होता है, वो मिर्गी के कारण अगर हो रहा है तो मिर्गी का दवाई दीजिएगा तो वो ठीक हो जाएगा, तो उसको जाके जैसे कहीं झड़वा रहे हैं ओझा के पास या इस तरह का, ये सब कोई फ़ायदा नहीं है इससे, और प्रॉपर इलाज कराएं डॉक्टर से मिल के, वो ज़्यादा बेटर है। तो न्यूरोलॉजिस्ट जो है इसकी अवेयरनेस के लिए क्या क्या कर रहे हैं अभी? जैसे हम लोग नेशनल एपिलेप्सी डे के दिन तो ये अवेयरनेस प्रोग्राम करते ही हैं, जैसे जितने पेशेंट आते हैं उनको बैठ के समझाते हैं मिर्गी क्या है, और जैसे हम लोग कैंप भी लगाते हैं एपिलेप्सी का, कुछ कंपनियां हैं जो हेल्प करती हैं कैंप लगाने में, तो उसमें हम लोग जैसे गाँव में गए वहाँ पर इकट्ठा करके पेशेंट को समझाते हैं, जो लोकल प्रैक्टिशनर भी हैं जो गाँव गाँव में प्रैक्टिस करते हैं, उन लोगों को भी हम लोग समझाते हैं कि जैसे अगर, क्योंकि उनके नज़दीक ज़्यादा पेशेंट आते हैं, जो गांव में प्रैक्टिस कर रहा है उसके पास ज़्यादा पेशेंट आएंगे, उस पहले उसी के पास आएंगे, तो उसको ये जानकारी होना ज़रूरी है कि मिर्गी क्या है और कैसे उसका इलाज किया जाए, और पेशेंट को कैसे समझाया जाए कि नहीं ओझे के पास नहीं जाना चाहिए, आप झाड़ फूँक नहीं कराइए और इलाज कराइए, तो हम लोग ऐसा भी करते हैं, गाँव गाँव जाके वो सब उन लोगों को समझाते भी हैं। ये थे कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर विकास शर्मा, कैमरामैन सुमित शर्मा के साथ मैं विजय गुप्ता।